चल मानव जल्दी कर, इससे पहले कि वो फितूरी जिन आ जाए हमें इस चिराग से बाहर निकलना होगा। एक मिनट, हम इस चिराग से बाहर निकल कर जाएंगे कहाँ? बालवीर को ढूंढने, और आई एम श्योर कि बालवीर भी हमें ढूंढ रहा होगा। चल चाइनीज तो पेट में कबड्डी खेल रहा है, न जाने कब पचेगा। दादाजी देखिए ना, हमारी गर्दन सीधी हो ही नहीं रही है, प्लीज हेल्प कीजिए। हाँ हाँ दादाजी प्लीज कुछ कीजिए ना, हमें एंटीक प्रोजेक्ट पर काम भी करना है, हम ऐसे काम कैसे करेंगे। अरे बेटा मेरे पास तो हर मर्ज का इलाज है, तो तुम्हारी गर्दन क्या चीज है, मैं तो तभी ठीक कर देता, लेकिन तब तुम लोग भाग गए। प्लीज दादाजी वी आर सॉरी, अभी कर दीजिए। देखो बच्चो, अभी मैं जैसे बोलता हूँ ना वैसे करना। मैं 1 2 3 बोलूंगा ना, और गर्दन झटक देना, देखो ऐसे 1 1 2 2 3 3। दादाजी हो गई, हमारी गर्दन सीधी हो गई। हाँ मेरी भी। अरे लेकिन मेरी अटक गई। मेरी गर्दन अटक गई है, इसे खोलो। अरे बच्चों कुछ करो। हाँ हम आए हैं। दादाजी दादाजी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे गर्दन अटक गई। अरे बॉस आप दादाजी को पकड़िए। अरे गर्दन खुलनी है दादाजी, काम कीजिए, आप बैठिए, आप बैठिए। दादाजी आपकी गर्दन खुल नहीं रही है, एक मिनट। भटकाती परी, हमें लगता है हमें इनकी मदद करनी चाहिए, देखिए ना कितने परेशान लग रहे हैं। कैसे खुल गई? दादाजी अब हम आ ही गए तो मानो मेरे को मिल के आते हैं ना। हाँ मिल लो बेटा, लोग रूम में ही होंगे। ओ एंटिक के प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं ना। एंटिक प्रोजेक्ट? कैसे? चल रोहित मिल लेते हैं, आते हैं दादाजी। ये अच्छा मौका चोरी का, मैं उन पिद्दियों को बात में उलझा के रखता हूँ, और तू 2-3 हाईटेक आइटम चुरा लेना, समझा? अच्छा मतलब चोरी मैं करूँ, ताकि अगर पिटाई हो तो मैं मेरी हो। नहीं नहीं मैं नहीं करूँगा चोरी। देख चोरी से पहले पिटना चाहता है या चोरी के बाद? चोरी के बाद शायद से तू बच जाएगा, और चोरी के पहले नहीं बच पाएगा। नहीं नहीं मैं करता हूँ चोरी करता हूँ। लगता है इस मोंटू को तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। हाँ भटकाती परी, और साथ में हमारा भी मनोरंजन हो जाएगा। तुम फिकर मत करो बालवीर, तुमने मेरी मदद की है तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। मैं तुम्हें बताऊंगा फितूरी जन कहाँ पे रहता है। तुम जानते हो कि फितूरी कहाँ रहता है? हाँ मैं जानता हूँ, लेकिन मैं वहां नहीं जा सकता। लेकिन तुम फिक्र मत करो,
मेरी एक जादुई कालीन तुम्हें फितूरी का पता बता देगा। लेकिन कैसे? रुको। ये जादुई कालीन मेरे दोस्त बालवीर को फितूरी के घर तक पहुंचा दो। जाओ बालवीर। लेकिन बालवीर तुझे बहुत चालाक है, अगर उसने तुम्हें देख लिया तो? देखो जुमरो, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं मानो मेहर को छुड़ा कर जल्द से जल्द तुमसे मिलने आऊंगा। मैं तुम्हारा यही इंतजार करूंगा। जुमरो, मैं तुम्हारा यह एहसान कभी नहीं भूलूंगा। चलो काली। पता नहीं बालवीर जिनिस्तान में किस हाल में होगा, और उसे मानव और मेहर मिले भी या नहीं। बालपरी, आप चिंता मत कीजिए, हम कोशिश कर रहे हैं और हम जल्द से जल्द बालवीर को वापस लाने का कोई ना कोई उपाय जरूर ढूंढ निकालेंगे। नहीं रानी परी, हमें तो डर है कि कहीं कोई उपाय नहीं मिला तो। जिनिस्तान बहुत ही खतरनाक जगह है, और आज तक वहाँ जो भी गया है कभी लौट कर वापस नहीं आया। फिर भी हमें विश्वास है डरी परी कि बालवीर अपने साहस और अपने सूझबूझ से कोई ना कोई रास्ता अवश्य निकाल लेंगे। हाँ रानी परी, हमारा मन भी यही कह रहा है, सच्चाई और अच्छाई किसी भी हाल में अपना रास्ता ढूंढ ही लेती है, और फिर बालवीर तो इससे भी कठिन परिस्थितियों से गुजर चुका है। हमें पूरा विश्वास है बालवीर पर, वो मानव और मेहर को सुरक्षित वापस ले आएगा। सुना महाविनाश ने कुछ सुना? ए वो बालवीर आ जाएगा वो जरूर वापस, और एक आप हो बेटी हाथ पर हाथ ऐसे इधर के, इससे पहले आ जाए लौटकर बालवीर चिनिस्तान से और कर दे आपका खेल समाप्त, कर लीजिए कब्जा जल्दी से परिलोक पर। और अगर नहीं होता आपसे कुछ तो दे दीजिए आप अपनी शक्तियां मुझे, फिर देखिए मेरा कमाल। दे दीजिए। मूर्ख, तौबा तौबा, तुम जानते नहीं कि परिलोक में सुरक्षा कवच लगा हुआ। अरे हाँ। और उसी सुरक्षा कवच के कारण हम जैसी बुरी शक्तियां आधे प्रहर से ज्यादा नहीं रुक सकती। तो करे अब क्या? मुझ पर और दूर रखिए इस आग के गोले को, वरना जल जाऊंगा मैं इसमें। ये आग का गोला तुम्हारे लिए नहीं है तौबा तौबा, परिलोक का सुरक्षा कवच तोड़ने के लिए। 24 घंटे है परियों के पास। उसके बाद चारों दिशाओं से बुरी शक्तियां इस गोले को महाविनाशक गोला बनाएगी, और जैसे ही ये महाविनाशक गोला तैयार होगा एक ही पल में परिलोक का सुरक्षा कवच तोड़ देगा। उसके बाद अच्छाई और सच्चाई हमेशा के लिए जल के भस्म हो जाएगी। अब परिलोक पर बुराई का झंडा लहराएगा, महाविनाशिनी का झंडा लहराएगा। रोहित, वो देख एंटी आइटम। मानो मैं बल्लू, कोई है? बॉस,
लगता है यहाँ पे कोई नहीं है। अरे हाँ, ये तो और भी अच्छी बात है, हमें ऐसा मौका वापस नहीं मिलेगा रोहित, चल उठा ले। अरे बेवकूफ, मुझे नहीं, एंटीक आइटम उठा से, तुझसे कुछ नहीं हो पाएगा। क्या भीम है रोहित? हाँ बॉस, क्या सॉलिड एंटीक आइटम्स है। बॉस आपकी तो निकल पड़ी। बॉस अब एंटीक प्रोजेक्ट में आप ही आओगे फर्स्ट और मैं सेकंड। हाँ बस भीम दिखा ना, देख देख देख। वाओ मोनोमर, अब तो तुम्हारी पुंगी बच के रहेगी। ये रोहित बता बता मैं कैसे लग रहा हूँ? एकदम मस्त दिख रहा हूँ। बस कैसे बता बॉस, ये बीन तो चिपक गई है, निकल ही नहीं रही है। भटकाती परी, लगता इतना सबक काफी है। रोहित के बच्चे, मैं तुझे कब से बोल रहा था बीन बंद कर बंद कर बंद कर, बंद क्यों नहीं की? मेरे नाचते नाचते हालत खराब हो गई, सब पे ना कहीं का। अरे मोंटू बॉस, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। जैसे आप खुद को डांस करने से रोक नहीं पा रहे थे, वैसे मैं खुद को बीम बजाने से रोक नहीं पा रहा था। हम जब भी मानो मेरे के घर पे, हमारी पुंगी हमेशा भटकती है, वापिस पुंगी बजने से पहले यहाँ से भाग लेते। चल पर बॉस, ये एंटीक आइटम, ये एंटीक आइटम को छोड़, वापिस पुंगी बजने वाली। अरे मानव नीचे क्या देख रहा है? चल इस ढक्कन को खोल। हाँ मेर, ये ढक्कन तो बहुत ही टाइट है, अब इसे खोलने के लिए कोई आइडिया सोच। मानव हर बार अकल ही इस्तेमाल करना जरूरी नहीं है, कभी कभी हमें अपना बल इस्तेमाल करना चाहिए। हाँ चल हम दोनों मिलके इस ढक्कन को खोलने की कोशिश करते हैं। हाँ ठीक है। ये ढक्कन खुल गया है। मानव किसी ने सुन लिया तो गड़बड़ हो जाएगी। हाँ चल तू ऊपर जा, उसके बाद में आती हूँ। और थोड़ा सा। अरे भाती आ जा, मैं मेर, ये कितना ऊंचा है, अब हम नीचे कैसे उतरेंगे? एक काम करते हैं, हम चिराग से और फ्रूट्स मांगकर यहाँ पे भी सीढ़ियां बना देते हैं। हाँ नहीं वो देख, तुरी सो रहा है, अगर वो जाग गया
तो वो हमें पकड़ लेगा। अब तो सिर्फ एक ही रास्ता है, हमें यहाँ से जंप करना होगा। देख मानव, मुझे भी बहुत डर लग रहा है, लेकिन अब इसके सिवा कोई रास्ता नहीं है। चल जंप कर। प्लीज। ठीक है। और मेहर कहाँ चले गए? भाग गए? हे बच्चों, रुक जाओ वहीं पे। अगर भागने की कोशिश की ना तो बहुत बुरा होगा। मेहर, ये तो कितना ऊंचा है। बहुत ऊंचा है ना, तो फिर गिर जाओगे। गिर जाओगे तो बहुत चोट लगेगी तुम्हें। बालवीर, मानव, बालवीर, 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 यहाँ देखो। हे, देखो, भागने की कोशिश मत कर। मानवेर, वहीं रुक जाओ। मेरी बात मानो, रुक जाओ। मानव, कूद जाते हैं। मुझे पूरा यकीन है बालवीर हमें गिरने नहीं देगा। चल। ए, क्या कर रहे हो? रुक जाओ। मानव मेहर, बालवीर, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। बालवीर, रुक जाओ, बालवीर रुक जाओ। देखो, मेरे पास वापस आ जाओ। बालवीर, ये किरिस्तान है, पकड़े गए तो बादशाह तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। रुक जाओ। मानो मेरे झुको। नहीं मानो, अगर मैं इसे और तेज उड़ाऊंगा तो हम तीनों गिर जाएंगे। लगता है तुम लोग ऐसे नहीं मानोगे। अब देखो मैं तुम्हारा क्या हाल करता हूँ। बालवीर, ये
ये क्या हो गया बालवीर? ये जादुई कालीन में तो आग लग गई। बालवीर कुछ करो। बालवीर बचाओ प्लीज। शक्तियों आओ, महाविनाशिनी तुम्हें पुकार रही है। आकर इस अग्नि गोले में समा कर उसे इतना शक्तिशाली बना, इतना शक्तिशाली कि वो परिलोक का सुरक्षा कवच जला के भस्म करते। आओ बुरी शक्तियों, हर दिशा की बुरी शक्तियों, परिलोक के सुरक्षा कवच को, फिर होगी महाविनाशिनी के हाथों परियों की पराजय, फिर बनेगी परियां महाविनाशिनी की दासियां, फिर होगा परिलोक पे बुराई का राज और बनूंगा मैं उस राज का प्रधान और करवाऊंगा फिर मैं परियों से अपनी सेवा। है आने वाले अब बुराई के दिन, यानी कि मेरे। विनाशनी के कहने पर ये सब जो कर रहे हो वो बिल्कुल सही नहीं है। हमें छोड़ दो वरना हम बादशाह से तुम्हारी शिकायत कर देंगे। हाँ छोड़ दो हमें। कैसे शिकायत करोगे बालवीर तुम? अब तो तुम भी मेरी कैद में हो। अब तुम तीनों के सिवा यहाँ कोई नहीं जानता कि मैं तुम्हें यहाँ जिनिस्तान लेकर आया हूँ। अब तुम तीनों यहाँ रहोगे मेरे पास कैद में हमेशा के लिए। और हाँ बालवीर, एक बात और, अब तुम्हारी शक्तियां यहाँ काम नहीं करेगी क्योंकि ये जिनिस्तान है, समझे? फितुरी, फितुरी देखो छोड़ दो मुझे। अरे मत डालो। कहीं बादशाह के सैनिक यहाँ आ गए और उन्हें अगर पता चल गया कि मैंने मानव और मेहर को यहाँ कैद करके रखा है तो गड़बड़ हो जाएगी। करना पड़ेगा। हाँ, मैं उनको जिन के भेष में यहाँ कैद करके रखूंगा। किसी को पता नहीं चलेगा कि मैंने यहाँ इंसानों को कैद करके रखा है। प्लीज अंकल, हमें निकालो यहाँ से, हमें जाने दो। हाँ
अब आराम से सो जाओ, क्योंकि तुम्हें यहाँ खाने और सोने के अलावा और कुछ नहीं करना है। और हाँ, अब से मैं ही तुम्हें खाना दिया करूंगा, क्योंकि तुम दोनों बहुत चालाक हो, शैतान हो, फिर से भाग जाओगे। तो आराम से सो जाओ, ठीक है? अब मुझे महाविनाशिनी को बता देना चाहिए कि ये तीनों मेरे गुलाम बन चुके हैं। वो बहुत खुश हो जाएगी, मुझे बहुत शाबाशी देगी। कितना कड़वा खा रहा था, आइसक्रीम खाने के बाद भी वो कड़वा कड़वा सा लग रहा है। विस्तार परी, इस बार तो किसी को संदेह नहीं हुआ कि हम मानव और मेहर नहीं बल्कि परिया हैं। लेकिन बालवीर अगर जीनिस्तान से जल्दी नहीं लौट पाए तो पता नहीं क्या हो जाएगा। हमें भी इसी बात की चिंता हो रही है भटकाती परी। हर 2 घंटे में हमें 15 मिनट के लिए परी रूप में वापस आना पड़ता है, और इस 15 मिनट में हमें किसी ने भी देख लिया तो इस प्रश्न का उत्तर देना बहुत ही कठिन हो जाएगा। अरे मैं तो मानव मेहर और बल्लू के लिए भी आइसक्रीम लेके आया था, उनको भी देता हूँ। माना पैर बल्लू। परिया, मोटा भाई परिया, बापूजी परिया, मोटा भाई परिया। क्या है? क्या है परी, क्या है? हाँ, क्या हुआ? परिया, अरे भाई, ओ ये रात को ऐसा डांस क्यों कर रहा है? अरे ये ऐसे नहीं रुकेगा, म्यूजिक सिस्टम बंद कर। म्यूजिक सिस्टम भी बंद करता हूँ। अरे रॉकी भैया, क्या हो रहा है आपको? अब बताइए क्या हुआ? क्या हुआ? अरे वो परियों के कमरे में मानव मैंने क्या मानव मेहर के कमरे में परी है क्या? विजार परी, वो लोग ये कक्ष में कभी भी आ सकते हैं और हम लोग मानव और मेहर का रूप भी नहीं ले सकते। अभी भी 5 मिनट और बाकी है, क्या करें विजार परी? टूटेगा इनका ध्यान और कब बनेगा ये महाविनाशक गोला? महाविनाशनी है, और कितनी देर इस महाविनाशक गोले को बनने में होता है, मुझसे और इंतजार पीछे जल्दी। 12 घंटे तो बात है, 12 घंटे में ये महाविनाशक गोला तैयार हो जाए, फिर इसमें सारी बुरी शक्तियां समा जाएगी और ये इतना शक्तिशाली हो जाएगा कि परिलोक इसके प्रहार से बच नहीं पाएगा। उसके बाद परिलोक और पृथ्वीलोक पर महाविनाशिनी का साम्राज्य होगा, महाविनाशिनी का। क्या? ये देखिए, यहाँ पे बढ़िया।
तुझे परियां लग रही है। अरे परियां यहीं पे तो थी, कहाँ गई परियां? रॉकी चाचू, परियां सिर्फ परीलोक में होती है। और परीलोक में जाने के लिए तुझे सोना पड़ेगा। सोएगा तो सपना आएगा और सपनों के परीलोक में तुझे परी दिखेगी। हा? अभी चलते, चल आजा। नहीं नहीं मोटा भाई, मैंने सपने में नहीं, मैंने इस कमरे में परियां देखी थी। कहां चली गई परियां? रॉकी बहुत हो चुका तेरा नाटक, अभी चलो बस। अरे मैं बस नाटक हो गया, हो गया रॉकी, चल चलो रॉकी चलो। अरे भाई चल ना, गुड नाइट। गुड नाइट, गुड नाइट। बाल बाल बचे। रॉकी परियां वगैरह कुछ होता नहीं असलियत में, वो सब सपने में होता है। सो जा, गुड नाइट। लेकिन बाबूजी, लेकिन मैंने तो कमरे में परियां देखी थी, मैं उन्हें तो पकड़ के रहूंगा। रॉकी अभी तक सोया नहीं, चल चल कमरे में जा, सो जा, चल चल। परियों, काल परी, आप यहाँ? हाँ, हमें रानी परी ने भेजना है आपसे पूछने के लिए कि आप लोगों को कोई समस्या तो नहीं है ना? किसी भी मदद की जरूरत हो तो हमें बताइए। समस्या तो बहुत है गालपरी। वो रॉकी ने हमें परी रूप में देख लिया था। तो फिर कुछ नहीं, हमने तो किसी तरह संभाल लिया, पर अब पता नहीं आगे क्या होगा। हमें माफ कीजिएगा रॉकी, लेकिन आपको रोकना आवश्यक था। परियों, हमारे पास एक उपाय है। क्या? परकादी परी, गाल परी, आप लोगों को पता है ना रॉकी को किस तरह उलझन में डालना है? हाँ। चल चलिए, अब इतना कह रहे तो देख लेते हैं। ये देखिए बाबू जी, यहाँ पे परियां, यहाँ पे। यहाँ तो कोई नहीं है, कहाँ है परियां? किसी कमरे में तो थी। रॉकी भैया, अरे ये परियां कहां गई? बापूजी, ये रॉकी का दिमाग खराब हो गया है। पहले बोल रहा था यहाँ बेडरूम में परियां बातें कर रही हैं, अब शायद बोलेगा वो खिलौना हवा में उड़ रहा है। लेकिन मैं सच कह रहा हूँ मोटा भाई, ये खिलौना तो सच में हवा में उड़ रहा है। कहाँ? रॉकी, खिलौना कहाँ हवा में उड़ रहा है, वो तो वहीं पर है। हाँ। स्मिता, मुझे लगता है इसका दिमाग तभी ठिकाने आएगा जब इसे तुम वो कड़वा करेले वाला काढ़ा पिलाओ। अभी लेकर आ। करेले वाला काढ़ा? नहीं नहीं, मुझे नहीं पीना करेले वाला काढ़ा, मुझे नहीं पीना। बच गए हम। परियों, अगर कोई और मदद की आवश्यकता पड़े तो हमें याद कीजिएगा। जी गाल परी, शुक्रिया। नहीं, मैं कितनी देर से सो रहा था, अब मुझे जल्द से जल्द यहाँ से बाहर निकलना होगा। लेकिन इस झिरक में से मैं बाहर कैसे निकलूं? क्या करूं? कैसे निकलूं? यहाँ से बाहर कैसे निकलूं?
मैं इस चिराग को तोड़ तो नहीं सकता, लेकिन उस ढक्कन में से बाहर जरूर निकल सकता, लेकिन कैसे मैं उतने ऊपर कैसे पहुंचूंगा? अगर मैं सिरक को गिरा दूं, तो ये ढक्कन यहाँ आ जाएगा, फिर इस ढक्कन को धक्का मार के मैं इसे खोलकर यहाँ से बाहर निकल पाऊंगा। सामने कोई दीवार है जो इस ढक्कन को खोलने से रोक रही है। मैं क्या करूं? इस ढक्कन को खोलूं कैसे? यहां से बाहर तो निकलना ही होगा, लेकिन कैसे निकलूं? अगर मैं इस सिरक को दाई तरफ घुमा दूं, ये ढक्कन यहां आ जाएगा, फिर मैं इस ढक्कन को खोलकर यहां से बाहर निकल पाऊंगा। खुल गया ढक्कन। मानो मेहर का चिराग कहाँ है? मानो मेहर का चिराग कहीं दिखाई क्यों नहीं दे रहा? वो तो यहीं पर था। मानो मेहर, अरे तो मानो मेहर का चिराग है। ये पानी में कैसे गिर गया? मुझे इन्हें जल्द से जल्द बचाना होगा, नहीं वो पानी में डूब जाएंगे।
मानो मैं, जल्दी चलो इससे पहले कि फितूरी यहाँ पर आए, हमें निकलना होगा। चलो अरे कितनी हेल्दी है। अरे 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 मानो बेटा जरा सीढ़ी पकड़ ले। ठीक है दादाजी। ओहो, हम तो भूल ही गए कि हमारे छूने से दादाजी को बिजली का झटका लग सकता है। क्षमा करना दादाजी। बापूजी क्या मानव देख क्या रहे, उठाना। नहीं नहीं मैं नहीं उठाऊंगा। नहीं उठाऊंगा मतलब? अरे चल मेरी मदद करते। अब क्या करूं, कैसे समझाऊं मम्मी को कि मैंने दादाजी को छुआ तो उन्हें करंट लग जाएगा। मानव सोच क्या रहा है, चल ना बेटा। ठीक है। बापूजी ये मुझे करंट कैसे लगा? अरे मुझे तो दूसरी बार करंट लगा। हाँ? ये बल्ब भी दूसरी बार जला और वो भी बिना लाइट के कनेक्शन के। दादाजी मुझे लगता है कि योगा कर करके आपके शरीर में बिजली दौड़ने लगी है और इसलिए आपके छूते ये बल्ब अपने आप चालू हो गया है ना। वाह बापूजी आप तो इलेक्ट्रिक मैन बन गए। अरे वाह अब तो हमें बिजली का बिल भरने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। महेश ये सुनकर कितना खुश हो जाएंगे। वॉशिंग मशीन टीवी फ्रिज सब कुछ ऐसे ही चालू हो जाएगा, बस सिर्फ प्लग आपके हाथों में देना पड़ेगा। सिर्फ इतना ही नहीं मैं तो सारे शहर को बिजली दूंगा, फिर फेमस हो जाऊंगा, टीवी वाले मेरा इंटरव्यू लेने आएंगे और मैं बहुत बड़ा स्टार बन जाऊंगा, मेरे पास बहुत सारे पैसे होंगे और बहुत सारी कार। और दादाजी वो कार पेट्रोल से नहीं आपकी बिजली से चलेगी। हाँ अब देखो ये इलेक्ट्रिक मैन का कमाल। बहू मेरी बिजली की शक्ति चली गई, साथ में अमीर होने का सपना भी और कार भी। नो दादाजी फिर तो मुझे भी पापा की तरह नौकरी करनी पड़ेगी और नौकरी करने के लिए मुझे पढ़ना होगा और पढ़ने के लिए मुझे स्कूल जाना होगा है ना। माँ मैं स्कूल जाने की तैयारी करके आता हूँ। हाँ और मैं वॉशिंग मशीन ऑन करके आती हूँ। मानो मैं वो मेरा दोस्त है जुमरू, वो हमें कह रहा है कि हम खिड़की के ऊपर आ जाए, वो हमें यहाँ से बाहर निकलने में मदद करेगा। बालवीर ये तुम्हारा दोस्त क्या कर रहा है, वो कैसे निकालेगा हमें यहाँ से? मानो मैं बस देखते जाओ। ऊपर आ रही है।
परी, 2 घंटे की अवधि पूरी होने वाली है। अब हमें 15 मिनट के लिए अपने परियों के रूप में आना होगा और एक सुरक्षित स्थान भी ढूंढना होगा ताकि हम वहाँ छिप सके और कोई हमें परियों के रूप में ना देख पाए। बसका दी परी, वो देखिए वो जगह खाली लग रही है, हम वहाँ चलते हैं। हाँ चलिए। खुद एक मानो मैं अपने म्यूजियम रूम की तरफ जा रहे, लगता है वो एंटीक लेके जा रहे। चल 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 छीन लेते मोटे गेंदे हाथ की, एक बार गर्दन अकड़ गई भी अक्कल ठिकाने नहीं आई। मेरे कहने का मतलब है मैं ऐसा नहीं, ऐसा मानो मैं कहेंगे आपको और फिर सर को बुलाएंगे और हमारी पिटाई करवाएंगे। तेरी बात तो सही है, एक काम करते हैं तू अकेले जा, मैं यहीं रुकता हूँ, अकेले आके तू छीन ले। हाँ हाँ ठीक है। हाँ क्या मतलब मैं अकेले जाऊं और मेरी पिटाई हो और आप दूर बैठकर मेरा तमाशा देखोगे क्या? हाँ नहीं बस मैं अकेले नहीं जाऊंगा, हम दोनों साथ में जाएंगे। आओ भाई आना लाइन पे चल। आजा आजा आजा। मोंटू बॉस, इन पुरानी चीजों की वजह से मैं तो बहुत डर गया हूँ। मोंटू बॉस पहले से ही हमारी बहुत बैंड बच चुकी है, अब हम भागते हैं ऐसा। चलो नहीं, मोंटू द ग्रेटेस्ट लखनजी ने एक बार तय किया ना फिर वो अपने आप की भी नहीं सुनता, हम यहाँ से नहीं भाग रहे। परी परी, ये मोंटू और रोहित यहाँ क्या कर रहे हैं? लगता है ये मानव और महल की प्राचीन चीजें चुराने आए हैं, ये कभी नहीं सुधरेंगे। विस्तार परी हम एक काम करते हैं, हम परियों के पुतले बनकर वहाँ खड़े हो जाते हैं और अगर ये कोई गड़बड़ करे तो हम इन्हें सबक भी सिखाएंगे। चलिए रोहित। हाँ तुमने पिद्दियों को तो यहाँ आते हुए ही देखा था, यहाँ तो कोई नहीं है, कहाँ गए वो लोग? अरे मोंटू बॉस पीछे के दरवाजे से निकल गए होंगे। वाह ये तो और भी अच्छी बात है, अभी हमें चोरी करने के लिए और आसानी होगी। चल करते हैं। कितनी बड़ी मुझे ब्यूटीफुल, क्या सॉलिड एंटीक आइटम है, मैं इसे ही चुराता हूँ। वाह ये जरूर मानव महल के होंगे, मैं अभी इन्हें ही लेके जाता हूं, फिर तो एंटीक कंपटीशन में मैं ही जीतूंगा। ये क्या कर रहे तू? अरे रोहित तुम परियों के पुतलों को छोड़ और मेरे मुंह से निकलने महल पर देख निकल ही नहीं रही है। अबे तेरी तो
मुंडू बस मैंने कहा था ना यहाँ बहुत गड़बड़ है, अब भागो। अरे मेरी 100 रुपए की गाड़ी। चलो मैं तुम इस रस्सी पर लटक कर नीचे उतर जा, जा। पर बालवीर ये रस्सी। मेहर चिंता मत कर, ये जादुई रस्सी है, ये गिरेगी नहीं, जाओ। पर बालवीर। मेहर जाओ। ठीक है। शुक्रिया झुमरू। मानव जाओ, अब तुम्हारी बारी। ठीक है बालवीर। मानव कुछ नहीं होगा, जाओ। तुम लोगों ने ठीक नहीं किया है, अब मैं तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं, तुम्हारे तो 100 साल में आज ही पूरे कर दूंगा पालवीर। रुक जाओ। अच्छा की जय हो, अच्छा की जय हो। मुझे माफ कर दीजिए बादशाह सलामत, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। 2000 साल चरग में कैद रहने के बावजूद भी तुम नहीं सुधरे फितूरी। इन लोगों को धोखे से जिनिस्तान ले आए। बादशाह पूछे इस फितूरी से, आखिर मानो महर से इसकी क्या दुश्मनी है? वो मानो महर को जिनिस्तान में क्यों लेकर आया? जवाब दो फितूरी, क्यों तुम इन बच्चों को जिनिस्तान ले आए बताओ, नहीं तो हम तुम्हें जिनिस्तान की आग के कुएं में झोंक देंगे। नहीं 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 बादशाह सलामत, नहीं मैं बता दो बता दो। बात है कि वो माँ विनाशनी, क्या वो माँ विनाशनी ने मुझसे कहा था कि अगर मैं मानव महर को यहाँ जिनिस्तान ले आऊंगा तो बालवीर भी उनके पीछे पीछे यहाँ जिनिस्तान आ जाएगा और वो यही का होकर रह जाएगा। ऐसा अगर करूंगा
तो माँ विनाश ने मुझे मेरी आजादी वापस लौटा देगी। मुझे छोड़ दीजिए बादशाह सलाम, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे छोड़ दीजिए। ये तुमने अच्छा नहीं किया माँ विनाश ने, इसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। बादशाह मुझे माफ कर दीजिए, आगे से मुझसे कोई गलती नहीं होगी, मुझे माफ कर दीजिए। सैनिकों ले जाओ इसे हमारी नजरों से दूर और अंधेरी काल कोठरी में डाल दो। नहीं बादशाह, बादशाह मुझे माफ कर दीजिए बादशाह, अरे छोड़ो बादशाह, मुझे माफ कर दीजिए बादशाह, मुझे माफ कर, अरे छोड़ो, क्या कर रहे हो, छोड़ो। बालवीर, जुमरू ने हमें बताया कि तुम पृथ्वीलोक के बच्चों के रक्षक हो, परियों ने तुम्हें जादुई शक्तियां भी दी, फिर तुम इस फितूरी की झाल में कैसे फंस गए? दरअसल फितूरी मेरे दोस्त मानव मेहर को चिराग में बंद करके यहाँ लेकर आ रहा था, और इसलिए उस चिराग का पीछा करने के अलावा मेरे पास कोई और उपाय नहीं था। हम समझ सकते हैं बालवीर, फितूरी की इस गलती के लिए हम तुमसे माफी चाहते हैं। अरे नहीं नहीं, आपको माफी मांगने की जरूरत नहीं है बादशाह, बस मैं चाहता हूँ कि आप मुझे और मानव मेहर को सही सलामत पृथ्वी लोक पहुँचा दीजिए। हाँ प्लीज। काश कि हम ऐसा कर सकते बालवीर, तो जरूर करते, क्योंकि तुमने हमारे शहजादे जुमरू की जान बचाई है। अब जुमरू आपका बेटा है? हाँ बालवीर, और इसके बदले में हम तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन तुम्हें पृथ्वी लोक वापस भेजना हमारे बस में भी नहीं है, क्योंकि इंसान जिनिस्तान से वापस लौटकर नहीं जा सकते। हाँ हम तुम्हें एक अलग महल जरूर दे सकते हैं, जहां तुम और तुम्हारे ये नन्हे दोस्त खुशहाली से रह सकते हो। मुझे माफ करेगा बादशाह, लेकिन पृथ्वी लोक के बच्चों की रक्षा करना ही मेरा पहला कर्तव्य है, और इसलिए मुझे पृथ्वी लोक पर किसी भी हाल में जाना होगा। बादशाह हम यहाँ पे तो नहीं रोक सकते, लेकिन पृथ्वी लोक पे जाने का कोई ना कोई तो उपाय होगा। हाँ। नहीं बालवीर। पिताजी आप तो बादशाह है, आप चाहे तो मेरे दोस्तों की मदद कर सकते हैं, कुछ कीजिए ना पिताजी, कोई तो रास्ता होगा इनको वापस भेजने का। एक रास्ता है, लेकिन वो बहुत ही खतरनाक है बालवीर। इस रास्ते पर तुम्हें दो पड़ाव पार करने होंगे। आज तक कोई भी उन पड़ावों को पार नहीं कर पाया, और अगर तुम उन पड़ाव को पार करने में नाकामयाब रहे तो हमेशा हमेशा के लिए वहीं कैद होकर रह जाओगे, और फिर हम भी तुम्हें आजाद नहीं करवा पाएंगे। बादशाह असफलता के डर से मैं कोशिश करना नहीं छोड़ सकता। मुझे इतना जरूर पता है कि मार्ग चाहे कितना भी कठिन क्यों ना, लेकिन सच्चाई और अच्छाई का साथ देने वालों की कभी हार नहीं होती। बादशाह आप मुझे मार्ग बताइए, बाकी सब मुझ पर छोड़ दीजिए। ठीक है, तो हमारी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ है। ये कालीन तुम्हें तुम्हारे पहले पड़ाव तक ले जाएगा, और उस पहले पड़ाव को पार करने के बाद तुम्हें दूसरे पड़ाव पर जाना होगा, जहां तुम्हें एक बुलंद चिराग हासिल करना है, और अगर तुमने वो बुलंद चिराग हासिल कर लिया तो वो चिराग तुम्हें धरती लोक ले जाएगा। शुक्रिया बादशाह, चलो मानो मैं। रुक जाओ बालवीर। बोलो झुमरू। बालवीर तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो। शुक्रिया झुमरू। जिनिस्तान की शहजादे की ओर से ये भेंट, ये तुम्हें मेरी दोस्ती की याद दिलाएगा। शुक्रिया जुबरू। शुक्रिया जुबरू, शुक्रिया। परिया, बॉस परिया, अरे भागो, भागो,
ये क्या हालत बना रखी है, ये क्या हेयर स्टाइल है? हरमंटा, तुमने ये मूछें क्यों लगाई है? निकालो निकालो इसे। सर ये मूछें नहीं निकल रही है, ये चिपकी हुई है सर। एक्चुअली बात ये है सर, हम लोग म्यूजियम रूम में गए थे और म्यूजियम रूम में दो परियां हैं। उन्होंने पहले हमें करंट दिया, फिर हमें हवा में से उल्टा सुलटा घुमाया और फिर ये मूछ लगा दी सर। सर और तो और बकवास बंद करो मंटो, वरना मैं तुम दोनों को प्रिंसिपल के पास ले जाऊंगा। लेकिन सर मेरी बात यकीन वकीन कुछ नहीं, मूछे निकालो या मैं निकालू। सर ये मूछ नहीं निकल रही है। रोहित पकड़ो इसे, पकड़ा। मंटू ये कौन सी चिपकुगम से तुमने अपनी मुझ चिपकाई है, निकल ही नहीं रही है। सर ये कोई भी चिपकुगम से नहीं चिपकाई है, सर ये उन परियों ने जादू से चिपकाई है। देखिए सर अगर आपको हमारी बात पर यकीन नहीं हो रहा है ना, अब हम दोनों के साथ उस म्यूजियम रूम में चलिए, मैं आपको वो दो परियां दिखा दूंगा, फिर आपको यकीन हो जाएगा सर। ठीक है मंटू मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। लेकिन मंटू खबरदार, अगर ये तुम्हारी बात झूठी निकली तो ये मूछ के साथ साथ मैं तुम्हें पूंछ भी लगा दूंगा। चलो बालवीर, मुझे लगता है ये दरवाजा ही हमारा पहला पड़ाव है जिसके बारे में हमें बादशाह ने बताया था। इसे पार करते ही हमें वो बुलंद चिराग मिलेगा जिसकी मदद से हम पृथ्वी लोग पहुंच सकते हैं। लेकिन ये दरवाजा तो बंद है, इसे खोलेंगे कैसे? मैं ट्राई करता हूँ। खुल गया, अभी भी दो मंत्र बाकी है। खुल जा रिमझिम। चलो अंदर चलते हैं, खुल गया ना? एक मिनट, अभी भी एक मंत्र बाकी है। खुल जा जिनजिन। खुल मेर, मैंने तो सारे मंत्र ट्राई कर लिए, अब तेरे पास कोई मंत्र मंत्र है तो तू भी इस पे ट्राई कर। कौन हो तुम लोग और यहाँ क्या कर रहे हो? हम पृथ्वीवासी हैं, गलती से यहाँ आ गए, अब हमें अपने पृथ्वीलोक वापस जाना है। सिंगूरी के होते हुए इस दरवाजे के उस पार कोई नहीं जा सकता। ये झिंगूर कौन है? आई मीन झिंगूरी कौन है, बुलाओ उसको। मूर्ख बालक, मैं ही झिंगूरी हूँ, यहाँ का पहरेदार। झिंगूरी, बादशाह ने हमें कहा है अगर इस दरवाजे के उस पार दो पड़ाव को हम पार कर लेंगे तो हम अपने पृथ्वीलोक वापस जा पाएंगे। बादशाह का आदेश होते हुए तुम हमें नहीं रोक सकते, इसलिए तुम्हें यह दरवाजा खोलना ही होगा। ठीक है, अगर ये बादशाह का हुक्म है तो मैं तुम्हें अंदर जाने दूंगा, मगर याद रखना एक बार तुम लोग अंदर चले गए उसके बाद पड़ाव पार किए बिना वापस नहीं लौट सकते।
और ये काम इतना आसान नहीं है। अगर तुम लोग नाकामयाब हो गए तो हमेशा हमेशा के लिए वहीं कैद हो जाओगे। क्या? इससे तो अच्छा है कि तुम लोग जिनिस्तान वापस लौट जाओ। नहीं, नहीं। हम जाएंगे तो पृथ्वी लोक ही जाएंगे, और इसीलिए तुम ये दरवाजा खोल दो। ठीक है, जैसा तुम चाहो। जाओ दरवाजे के पास जाओ, ये तुम्हें खुद अंदर खींच लेगा। चल मानव, अब हमारी बारी है। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। नहीं जाएगा? तुझे पृथ्वीलोक नहीं जाना? जाना है। तो फिर चल। हम आपको दिखाते हैं, आप पर ये। हाँ सर, आइए। भटकाती परी, मोंटू तो यहाँ किसी को लेकर आ रहा है। लगता है उसने सबको बता दिया कि यहाँ परिया है। आने दीजिए इसे यहाँ। यहाँ इसे परिया नहीं, मानव और महल मिलेंगे, और इससे वो झूठा भी साबित हो जाएगा। आइए सर, आइए। यहाँ परिया है। हाँ आइए आइए, देखिए यहाँ पर ये है। अरे सर, आप यहाँ? कहाँ? कहाँ है परिया? कहाँ है परिया? ये है परिया? नहीं मानो मैं, ये तो सर है। मतलब नहीं सर, ये तो मानो मेरे। परिया तो यही थी, कहाँ गई? अब मानो मेरे से पूछिए, इन्होंने भी परियों को देखा होगा, है ना मानो मैं? हाँ सर, हम तो परिया रोज देखते हैं। सुना सर, सुना, इन्होंने भी परियों को देखा है। लेकिन सपना में देखते हैं। हाँ। हाँ? देखा देखा, सुना सुना, मैंने भी देखा था। वैसे सर, यहाँ परियां आएंगी कैसे? हाँ, मोंटू और रोहित यहाँ जरूर आए थे इन सारे एंटिक्स को छेड़ने के लिए। इतना ही नहीं सर, मोंटू ने तो एंटिक मूंछ भी चिपका रखी है, देखिए। सर, ये मूंछ मैंने नहीं चिपकाई है, ये मूंछ उन परियों ने चिपकाई है। प्रॉमिस सर, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, ये लोग झूठ बोल रहे हैं। मोंटू, मुझे अच्छी तरह से बता, कौन झूठ बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है? बिहेवियर सर। नहीं सर, हमारा यकीन कीजिए, यहाँ परियों के पुतले भी है, वो देखिए। हाँ, मोंटू बॉस, ये परियों के पुतले कहाँ गए? अच्छा, पुतले गायब हो गए? बेटा यहाँ पे पुतले तो नहीं है, पर तुम दोनों के पुतले मैं जरूर बनाऊंगा, वो भी खेंगे मर मर के। जिंगोरी, ये लोग कौन है? इंसान है ये लोग, रास्ता भटककर जिनिस्तान में आ गए थे और धरती पर जाने के लिए यहाँ आए थे, लेकिन कामयाब नहीं हो पाए और हमेशा के लिए यहाँ कैद हो गए। तुम्हारा भी यही हाल होने वाला है। हमारी चिंता मत करो जिंगोरी,
बस हमें ये बताओ कि इस पड़ाव को पार करने के लिए मुझे क्या करना है। ये मछली देख रहे हो तुम जो घूम रही है, उसकी आंख में इस तीर से निशाना लगाना है। अगर पहली बार तुम चूक गए तो ये बच्चा वहां कैद हो जाएगा। मानो अगर दूसरी बार भी तुम निशाना लगाने में चूक गए तो ये बच्ची भी यहां कैद हो जाएगी। और अगर तीसरी बार भी तुम निशाना चूके तो तुम भी यहां हमेशा हमेशा के लिए कैद हो जाओगे। और अगर मेरा निशाना सही लगा तो तुम अगले पड़ाव में पहुंच जाओगे। इन दोनों बच्चों और इन तीन इंसानों के साथ वहां तुम्हें बुलंद चिराग मिलेगा, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। नहीं मुसाफिर, ये झूठा है, ये धोखेबाज है मुसाफिर, इसके बातों में नहीं आना। बालवीर, मुझे लगता है वो तीन लोग कुछ कहना चाहते हैं। हाँ, लेकिन कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। हाँ, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है। जिंगूरी, क्या बोल रहे हैं ये लोग? ये लोग कह रहे हैं कि तुम्हारे पास अब भी वक्त है, तुम जिनिस्तान वापस लौट जाओ। हम लौटेंगे तो जरूर, लेकिन जिनिस्तान नहीं, अपने पृथ्वी लोग। ठीक है, तो कोशिश कर लो तुम, लेकिन ध्यान रहे तुम्हारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। ये रेत घड़ी देख रहे हो तुम? इससे पहले कि ऊपर की रेत नीचे आ जाए तुम्हें 3 बार निशाने लगाने होंगे। तुम्हारा वक्त शुरू होता है अब। और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।